नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एंगल पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। चंद्रयान 2 से आगे बढ़ा इसरो, अब गगनयान मिशन की तैयारी में जुटे वैज्ञानिक। शरद पवार ने दिया विवादित बयान, कहा पुलवामा जैसी घटना ही बदल सकती है राज्य में लोगों का मूड। सीमा पर पाक की नापाक कोशिशें जारी, भारतीय सेना की कई मोर्चों पर की फायरिंग। सपा सांसद आजम खान की बड़ी मुश्किलें, बेटे सहित 37 लोगों पर सरकारी जमीन हड़पने का लगा आरोप। पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ अपने बयान देते रहता है, इसी बीच वह खुद सेल्फ गोल कर चुका है। मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलाला इस्माइल के अमेरिका में जाकर शरण मांगने से पाकिस्तान की खासी किरकिरी हुई है। अब तक भारतीय सेना पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को इस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कई महीनों तक गुलाला इस्माइल पाकिस्तान में छिपी हुई थी, लेकिन मौत के डर से वह किसी तरह बचकर अमेरिका पहुंची है और राजनीतिक शरण की मांग की है। वह ऐसे समय में पाकिस्तान के खिलाफ सामने आई है जब वह कश्मीर के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप भारत पर लगा रहा है। विक्रम लैंडर को चांद पर उतरे हुए पूरे 14 दिन हो गए हैं। इस बारे में इसरो प्रमुख के सिवन ने मीडिया से बातचीत की। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि हम विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही और अच्छा काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कुल 8 उपकरण लगे हैं, हर उपकरण का अपना अलग अलग काम निर्धारित है। ये सभी उस काम को बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं जैसा प्लान किया गया था। इसके बाद इसरो प्रमुख ने जानकारी दी कि अब इसरो का प्राथमिकता आने वाला गगनयान मिशन होगा। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बनाया है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले सुप्रिया एक अंग्रेजी टीवी चैनल में वरिष्ठ संपादक के पद पर कार्यरत थी। उन्हें पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सीट से टिकट दिया था। उनके पिता स्वर्गवासी हर्षवर्धन सिंह भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और सांसद रहे हैं। वे पिछले 10 सालों से एक टीवी चैनल में कार्यकारी संपादक का पदभार संभाल रही थी। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने पक्ष में वोट करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि पुलवामा आतंकी हमले जैसी घटना महाराष्ट्र में लोगों का मूड बदल सकती है, क्योंकि उनके मन में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए नाराजगी है। औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी का माहौल था। हालांकि CRPF जवानों पर पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। अब लोगों के दिमाग को पुलवामा जैसी घटना ही बदल सकती है। भारतीय वायुसेना को पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया है। फ्रांस में दसॉल्ट एविएशन की उत्पादन इकाई में एयर मार्शल VR चौधरी के नेतृत्व वाली टीम ने RB-01 टेल नंबर वाला राफेल प्राप्त किया। चौधरी ने खुद करीब एक घंटे तक इस विमान को उड़ाया। भारत और फ्रांस के बीच 60,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे के तहत पहले विमान को भारत की रजामंदी के आधार पर सौंपा जाना था। यह विमान अभी करीब 7 महीने तक फ्रांस में रहेगा। इस दौरान इसका ट्रायल होगा, इसके बाद भारत में लाया जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और सालाना 8% वृद्धि दर हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में GDP वृद्धि पर 6 साल के न्यूनतम स्तर 5% जाने को लेकर निराशा के बीच उन्होंने यह बात कही है। कुमार ने कॉरपोरेट कर में कटौती के सरकार के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने भरोसा जताया है कि निवेशक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों का लाभ उठाएंगे। पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में कुमार ने कहा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद बनने वाली कंपनियों के विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश करने पर उपकर और अधिभार समेत प्रभावी कर की दर केवल 17.01% है। यह बड़ा प्रोत्साहन होने वाला है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान सेना लगातार पूंछ जिले के शाहपुरा किन्नी सेक्टर में मोर्टार शेल दाग रही है। पाकिस्तानी सेना की इस हरकत का भारतीय सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दोनों ओर से हो रही इस फायरिंग में अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में मोर्टार शेल दागे गए हैं। भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों से अभी घर के अंदर ही रहने की अपील की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में बीएसएफ के 500 जवानों ने एक अनूठा संकल्प लिया है। यह सभी जवान साइकिल पर रैली के जरिए स्वच्छता, अहिंसा व नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर से शुरू हुई यह यात्रा जैसलमेर जिले के लाठी व चाचा गांव पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी कड़ी में पोखरण शहर में आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए इस्लामिया मदरसा की ओर से उनका स्वागत समारोह रखा गया। इस मौके पर शहर के गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब आजम खान के बेटे सहित 37 लोगों पर जेल की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में नायब तहसीलदार ने थानागंज में मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 1943 के नगर पालिका के रिकॉर्ड में खसरा संख्या 512 से 519 तक रामपुर की जेल में फांसी घर के नाम से आज भी दर्ज है। एक समय में यहां पर फांसी घर हुआ करता था। इस जमीन पर आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान ने कब्जा कर लिया है। 1943 के नगर पालिका के रिकॉर्ड में खसरा संख्या 512 से 519 तक ये सारी ज़मीन रामपुर की जेल में फांसी घर के नाम से आज भी दर्ज है। एक समय में यहाँ पर फांसी घर हुआ करता था। आज़म ने अपनी सरकार आने पर इन सारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर अपने बड़े बेटे अदीब आज़म खान के नाम करवाया और वहाँ पर आलीशान कोठी बनी हुई है। इसके अलावा कुछ हिस्सा बैंक को किराए पर दिया हुआ है, बाकी मार्केट बनी हुई। इस सारे मामले की जांच मैंने जिलाधिकारी महोदय को दी थी और अब उसमें जांच के बाद सब कुछ सही पाए जाने पर आज उसमें अदीब आजम खान के साथ साथ लगभग 38 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है अब कि जो फांसी घर की ज़मीन को आजम खान द्वारा कब्जा किया गया था उसको बहुत जल्द वापस किया जाएगा। नायब तहसीलदार द्वारा ये थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें 37 लोग के नाम दर्ज हैं। इसमें अदीम आजम, जो पूर्व मंत्री आजम खान के पुत्र हैं, उनके साथ टोटल 37 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो जेल की ज़मीन थी, ऐसा हम बताया जा रहा है इस नायब तहसीलदार द्वारा, कि जेल की ज़मीन का क्रय और विक्रय किया गया गलत तरीके से, जो कि आपराधिक काम है और इसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है। 420, 447 और सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए द एंगल।